सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं खासकर जो जारो प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे सेंसिटिविटी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपका रिकॉइल बिल्कुल जीरो होने वाला है। मतलब कि जब भी आप स्प्रे दोगे तो आप बिल्कुल जीरो रिकॉइल वाला स्प्रे दे पाओगे। और गाइस, हर एक जारो प्लेयर बिल्कुल आराम से इस सेंसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी सेंसिटिविटी सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कर लेना। और दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो गाइस, आप लोगों को अपनी सेंसी को सेट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब कि जिनको अपनी सेंसी में बस हल्का फुल्का चेंज करना है तो वो किस तरह से सेट कर सकते हैं, और जिनको पूरा चेंज ही करना है अपनी सेंसी को, वो लोग चाहो तो मेरा कोड कॉपी कर सकते हो। और गाइस, टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सिर्फ जायरो प्लेयर्स के लिए है। अब गाइस देखो, सेंसी जब आप लोग खुद से सेट करते हो तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, और लेजर स्प्रे देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ग्रिप हम लोग यूज करते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ग्रिप कौन सा होगा ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको आप लोग जो M4 ले लेना, क्योंकि मोस्टली जो स्प्रे हम लोग M4 देते हैं। तो गन लेने के बाद अभी इसमें आपको कोई सा भी ग्रिप यूज नहीं करना, मतलब कोई सा भी ग्रिप नहीं लगाना है। और इसके बाद एक रेड डॉट लेना, या फिर फायरिंग जोन में आके इस तरह से आप लोग स्प्रे देके चेक करना है कि आप लोग का स्प्रे किस तरह का है। तो अगर आपका स्प्रे देते टाइम गन जो हॉरिजॉन्टल शेक कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो फिर आपको एंगल ग्रिप यूज करना है। और अगर वर्टिकल रिकॉइल है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर आप लोगों को वर्टिकल ग्रिप यूज करना है। या फिर अगर आप लोगों का स्प्रे जो थोड़ा बहुत ठीक है और हल्का हल्का हो रहा है, तो फिर आप लोग हाफ ग्रिप यूज कर सकते हो, क्योंकि हाफ ग्रिप जो हम लोग का वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को भी कंट्रोल करने में यूज आता है। अब मैं जो सेंसी यूज करता हूं उसका स्प्रे आप लोग देख लो किस तरह का, और उसके बाद जो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉपी करना है कि नहीं करना है। तो गाइस, इस तरह का स्प्रे आप लोग भी बिल्कुल इजीली दे सकते हो। और अगर आप लोग सिर्फ जो स्कोपिंग में ही जायरो इनेबल रखते हो तो फिर आप लोगों को भी मालूम है कि जायरो से कितना ओपी स्प्रे आप लोग दे सकते हो बिना रिकॉइल के। और नेक्स्ट लेवल का स्प्रे देने के लिए आप लोगों को बस जो अपनी सेंसी को सही तरीके से सेट करना होता है। तो इसलिए चलो, अब मैं आप लोगों को अपनी सेंसी दिखा देता हूं, और गाइस बिल्कुल शुरू से आप लोगों को दिखा देता हूं, और साथ में जो बेसिक चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहला जो सेंसी आता है वो है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, यानी कि आई बटन की जो सेंसी होती है। तो इसको सबसे सही 120% में ही रखना होता है, क्योंकि ये ना ज्यादा हाई होता है और ना ही ज्यादा लो होता है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आप भाग रहे होते हो और आपको पीछे देखना हो। तो इसलिए इसको बस जो आप 120 या फिर 130% में ही रखना, क्योंकि यही सही रहता है और ये बेस्ट भी है, क्योंकि ज्यादा हाई या फिर ज्यादा लो रखने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए 120 या फिर 130% में ही रखा करो। इसके बाद दोस्तों आता है कैमरा सेंसी और ADS सेंसी। तो कैमरा सेंसिटिविटी आता है, कैमरा सेंसिटिविटी में बिना ADS वाली होती है, जिसमें हम लोग बिना फायर किए कैमरा को मूव करते हैं, और ADS सेंसी जो है ऑब्वियसली जब हम फायर करते हैं तब काम आता है। मतलब कि बिना फायर किए ये कैमरा सेंसिटिविटी, और फायर करते टाइम आपका ADS सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो जाता है। अब गाइस, ये तो हो गया मेनली जो नॉन जायरो प्लेयर्स हैं उनके लिए। तो चलो अब देख लेते हैं कि जायरोस्कोप और ADS जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी क्या कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, सेंसिटिविटी यहां पे आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं कोड भी आप लोगों को दे ही दूंगा। अब गाइस, यहां पे मैंने 300% में सब कुछ सेट किया, मतलब कि 3rd% या फिर 1st% या फिर जितने भी स्कोप्स होते हैं उनको भी 300% में ही रखा है। लेकिन अगर आप लोग ये यूज करते हो और आपको ये बहुत ज्यादा हाई लगता है, तो फिर आप लोग 30-50% जो सबकी सेंसी को कम कर देना, मतलब कि अपने हिसाब से जिसमें भी आपको कंफर्ट हो। लेकिन गाइस, अगर कोई कहे कि 400% में ही रखना सही रहेगा, या फिर 400% में ही आप रखते हो तो आप प्रो हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि 400 पे रखना यानी कि फुल पे रखने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और अगर आप 300-350 पे ही सही से खेल पा रहे हो तभी जो है 400 पे रखना, और वो भी प्रैक्टिस करने के बाद ही रखना, क्योंकि 400% जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उसको संभालना जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोगों को फुल पे खेलना है तो आप लोग ADS जायरोस्कोप सेंसी जो होती है जो फायर करते टाइम काम आती है, तो आप लोग ADS जायरो की सेंसी को फुल पे रख सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना हाई आपका सेंसी होगा उतना ही कम आपको अपने फोन को मूव करना होगा रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। इसलिए यहाँ पे मैंने भी स्कोप में ADS जायरो की सेंसी को नॉर्मल जायरोस्कोप से 50% ज्यादा पे रखा है। आप चाहो तो नॉर्मल जायरोस्कोप और ADS जायरोस्कोप को सेम टू सेम रख सकते हो, या फिर मेरी तरह ADS वाले को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, क्योंकि गाइस स्कोप में जितना आप जो सेंसिटिविटी को बढ़ाते हो तो उतना ही इजी जो आपके लिए रिकॉइल कंट्रोल करना हो जाएगा। लेकिन गाइस, मैं ये चीज आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है फुल पे ही खेलो या फिर जो है हाई सेंसिटिविटी पे खेलो, क्योंकि 300% पे ही जो आप सही से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप 400% पे बिल्कुल रख के खेल सकते हो, क्योंकि सेंसिटिविटी को पूरा फुल करने का मतलब है कि आपका गेम प्ले भी जो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, गेम प्ले में जो थोड़ा चेंज आ जाएगा। इसलिए बिना ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस किए जो आप लोग सेंसिटिविटी को फुल कभी मत करना। और गाइस, ये देखो, ये रहा मेरा सेंसिटिविटी का कोड, जो कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे लिख लो।
बाकी गाइस ये जो सेंसी है आप इसी पे खेल सकते हो, या फिर अगर आपको ये हाई लगे तो 50% कम कर देना, या फिर अगर लो लगे तो 50% बढ़ा देना, या फिर जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा रख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। और दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू।